साइकिल पे आ रहा है जी जी। अब देखना मजा, वो मेरा टकला जो है ना वो रंग लाएगा, ऐसी धुलाई करेगा, ऐसी धुलाई करेगा। ऐसे भी ये लोग जिनके सिर्फ मुंह पे बाल होते हैं ना, वो बहुत ताकतवर होते हैं। अब देखना, अरे टकलू। तेरा नाम प्रभात है? ए, आज के बाद तुम नैना से नहीं मिलोगे। मिलेगा तो हम तेरा मुंह तोड़ देगा। अरे टकले खड़े हो जा। अरे टकलो, तू इस बस का भाजी पाला कर रहा है यार, पैसे दिए तुझे कितनी बुरी तरह से पिट रहे हैं। कहाँ से उठा लाए तुम? अरे मारो। गया। सुनो, पूरे पैसे दिए थे कि नहीं? एडवांस पर लेकर गए थे पूरे पैसे। सच्चा ना? निकालो भाग गए। सब भाग रहे हैं। पैसे भी लिए और भाग गए। अच्छा भगवान। क्या कर रहा भैया? पागल तो नहीं है? ऊपर होकर देखो ना। हाँ? वो गया। क्यों? मैं क्यों देखूं? तुम खुद नहीं देख सकते? मैं देखता हूँ। गया, चला गया, चला जान गया। तो बच गए। जान बची, घर चलो, बचाती हूँ तुम्हारी जान। चलो बताती हूँ तुम्हें, गुंडों से पिटवाओगे। इतने पैसे मुझे दे दिए होते तो मैं उस गुंगे की पिटाई कर दे। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें रिपोर्ट लिखवानी है अपने माँ बाप के खिलाफ। जी हाँ, आज उन्होंने हमारे बॉयफ्रेंड की पिटाई की। एरियल नीचे कर। जी क्या? कट जाएगा। उनका नाम? एक मिनट पापा, आपका नाम? मेरा नाम क्या? मुझे नहीं मालूम। मम्मी आपका? नहीं बताऊंगी। इंस्पेक्टर साहब वो कह रहे हैं कि वो अपना नाम नहीं बताएंगे। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? रिपोर्ट लिखवा रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। आज आप लोगों ने हमारे बॉयफ्रेंड की पिटाई की। अब आप लोगों पर सेक्शन 307 लगेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसकी कितनी सजा होती है? तू हमें जेल भिजवाएगी अपने माँ बाप को? आप फिर से हमारी प्रभात पर हमला करवाएंगी? बोलिए, वरना अभी पुलिस आएगी और आपको हथकड़ी पहना के ले जाएगी। नहीं नहीं बेटी, तू अपनी कंप्लेन वापस ले ले, प्रभात पर कोई हमला नहीं होगा। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, उन्होंने माफी मांग ली है। अब अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैंने खुद पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले आएंगे। थैंक यू। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार चौबे जी। नमस्कार। नमस्कार ज्वाला बाबू, आओ आओ बैठो। कहिए कैसे आना हुआ? ये मेरा भांजा सूर्या। नमस्ते। अच्छा अच्छा, तू इन्हीं की नौकरी की बात कर रहे थे? अरे भाई, हम तो मिनिस्टर के खास आदमी हैं। हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर तक पहुंचने की सीढ़ी है। कहो तो कस्टम डिपार्टमेंट में लगवा दूं, जहां तनख्वाह के अलावा भी ऊपर की आमदनी 25-30 हजार रुपए हो जाया करेगी। चौबे जी, इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? अरे भाई, एप्लीकेशन जॉन जॉन के हाथ से होती हुई ऊपर तक जाएगी। सबको दे दिला के कुल खर्च 5 लाख तो हो ही जाएगा। 5 लाख? नहीं ना चौबे जी, मेरा भांजा कल एप्लीकेशन लेके आपके पास आ जाएगा। अरे भाई, एप्लीकेशन को पकाने के लिए तेल और बेसन की जरूरत पड़े है ज्वाला बाबू। चौबे जी, आप चूल्हा तो जलाइए, तेल और बेसन का इंतजाम करके मैं आता हूँ। चल अच्छा, सूर्या। अच्छा। नमस्कार। अरे गंगा की धार, जमुना की धार, हमको दिखे हैं नोटों के हार। अरे जीजा जी, 10 हजार रुपए महीने की तनख्वाह और कम से कम 25 हजार रुपए की कमाई ऊपर से। अरे इसीलिए तो मैंने फटाफट कह दी, बस नौकरी हासिल करने के लिए 5 लाख की रिश्वत देनी पड़ेगी। लेकिन 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से ज्वाला? सेठ जी,
अरे हमारे सेठ जी इस मकान पे 5 लाख का लोन देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप बस ये मकान के कागजों पे दस्तखत कर दो। हाँ, लेकिन ये मकान तो प्रभात के नाम पर है, उसी को दस्तखत करने। अरे ये लो, प्रभात भी आ गया। अरे बेटा कितनी लंबी उम्र है तेरी। अपने सूर्या को 10,000 रुपए महीने की नौकरी मिल रही है। लेकिन भैया आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। पेन है। वाह भांजे, क्या बात है, शाबाश। प्रभात तू साइन नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? अरे जी जी, अपने सूर्या के करियर का सवाल है, और फिर मकान तो अपने पास ही रहेगा, ये धीरे धीरे सब पैसे चुका देगा सेठ जी के। माँ बहुत अच्छी नौकरी है, प्लीज माँ तुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे इतनी बड़ी नौकरी क्या रस्ते पर पड़ी हुई मिलती है जो उठाकर लेकर आएगा? अरे अपने बेटे की दुश्मन मत बन, दे दे कागज प्रभात को साइन करने के लिए, दे दे। ये मकान प्रभात की माँ की आखिरी निशानी है, और मेरे जीते जी मैं उसे खोने नहीं दूंगी। अरे बेवकूफ, बना बनाया काम मत बिगाड़, दे दे कागज, दे दे। माँ दे दो ना कागज, भैया का भविष्य बन जाएगा। माँ घर बेच तो नहीं रहे ना हम, सिर्फ गिरवी तो रख रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ मैं पूरी कीमत चुका दूंगा। प्रभात भैया मैं पूरी कीमत चुका दूंगा। प्रभात भैया नहीं सूर्या, नहीं कभी नहीं। नहीं तो ना सही। ऐसा जी, आज के बाद मुझे सूर्या की नौकरी के बारे में कुछ नहीं कहना। मैंने तो सोचा था मैं ज्वाला साला, मुझे सोचने की। ए सूर्या, ओ सूर्या, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी खुद की माँ तेरी दुश्मन है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। आज के बाद कोई मुझे सूर्या की नौकरी के बारे में नहीं कहना। चलो सेठ जी, आज के बाद ज्वाला इस घर के किसी आदमी के बारे में सोचेगा ही नहीं। नाथ साहब, मैंने ट्रक में सारा सामान लोड करवा दिया है, फैक्ट्री का पिछला दरवाजा भी खोल दिया है, मेन स्विच भी ऑफ कर दिया है। अब जल्द से जल्द अंधेरे का फायदा उठाएं और मेरी ईमानदारी की लाज बचाएं। हाँ। Well done, Prem, well done. Thank you. तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही हम जैसे लोग आबाद रहते हैं और फैक्ट्री वाले बर्बाद होते हैं। ये लो अपने हिस्से के 5 लाख रुपए। 5 लाख? ऐश करो ऐश। थैंक यू। आइए चलिए। ड्राइवर तुम माल लेके गोडाउन पहुंचो, मैं निकलता हूँ। यस सर। ओके प्रेम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्रभात, प्रेम क्या हो रहा है? देखिए नजर बाबू, आपका ये वफादार सिक्योरिटी ऑफिसर फैक्ट्री के केमिकल्स चोरी करके भाग रहा था। क्या कह रहे हो तुम? मैं इस फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, मैं भी चोरी करूंगा। मैंने पैसे लिए, कहाँ वो पैसे, किधर है वो पैसे, बोलो बोलो। मेरे साहब ये बैग मैनेजर साहब ने मशीन के पीछे छुपा के रखा था, मेरे सामने एक आदमी से बैग लिया था ये इन्होंने। अरे ये झूठ बोलता है। तूने मेरे साथ विश्वासघात करके अपनी किस्मत को लात मारी। मैं तुम्हें क्या से क्या बना देना चाहता था, और तुम इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम, मैं इसके खिलाफ चोरी का मुकदमा चलाऊंगा। मुझे गुनहगार साबित करना बहुत मुश्किल होगा राजन बाबू। गूंगे मुझे सजा हुई ना, तो मैंने अगर तुझे आंखों से अंधा और कानों से बहरा न कर दिया तो मेरा नाम भी प्रेम प्रेम चोपड़ा नहीं है। ले जाओ इसे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। है ना चंदा, कैसी हो? अरे ये पीछे शोर क्या मच रहा है? सूर्या भैया को नौकरी मिल गई है। सच? अरे वाह, जरा सूर्या को फोन दो। हाँ सूर्या भैया। एक्सक्यूज मी। हाँ ना बोलो। मुबारक हो सूर्या। थैंक यू मेरी होने वाली भाभी। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक बहुत ही जाना पहचाना सा चेहरा तुमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। बेचैन? सूर्या। हाँ बोलो भाभी। जरा उस बेचैन को फोन दे ही दो। हाँ उसे बात करनी है। पक्का? क्यों जी अकेले अकेले खुशियां मना रहे हो, हमें भूल गए क्या? तो फॉरन लेक पे आके हमें मिलो। लेक पर? चले। कहाँ जा रही हैं आप इतनी बनठन के? ओ गॉड, ये घिसा रिकॉर्ड कब तक बचता रहेगा?
कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? मैंने पूछा। छोटा मुंह बड़ी बात, हम इश्क करने जा रहे हैं, चलोगी? ए लड़की, ये तेरी उम्र है इश्क करने की? मेरी नहीं तो क्या तुम्हारी है? तू जानती भी है इश्क क्या होता है? हाय इश्क, इश्क में पहले आंखें मिलती है, फिर दिल मिलते हैं, फिर दोनों के शरीर करीब आते हैं, और फिर बाय। नैना, हम पर गोली चलाएंगे? हाँ। नहीं नहीं बेटी, हम आप पे गोली कैसे चला सकते हैं? ये देखो, बंदूक भी खाली है। क्या है कि खाली बंदूक भी कभी कभी चल जाती है, इसीलिए हम आपको हटने के लिए कह रहे थे। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? मैं प्रेम गली। प्रेम गली। बाय बाय। प्रेम गली, ये कौन से मोहल्ले में आती है प्रेम गली? जी जी, जीजा जी, बधाई। अरे आपने तो अभी तक सोची भी नहीं सूर्या की सगाई, और देखी मेरी चतुराई, मैंने आपकी शादी की रकम बचाई, दुल्हन दूल्हे के साथ सीधी घर में आई। ये क्या बकवास कर रहा है ज्वाला? करोड़पति खानदान की बेटी है, समझा करो। साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सूर्या, पिताजी के बैठो। प्रणाम पिताजी। तुम भी बैठो। जीती रहो, जीती रहो। पिताजी, आई एम सॉरी, लेकिन आपसे पूछे बगैर ही हमने शादी कर ली। सूर्या, ये क्या है सूर्या? आई एम सॉरी माँ, मैं मजबूर था, शादी नहीं करता तो मुश्किल। कल ही डॉक्टर ने बताया कि मैं सूर्या के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ? बिना शादी किए माँ? सूर्या, ये आई एम सॉरी माँ, और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने इन दोनों को सलाह दी कि कोर्ट में जाके शादी कर लो। तू समझता नहीं है। अरे जीजी, आजकल ये सब चलता है। इस घर में नहीं चलेगा ज्वाला। अभी घर में बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है, और छोटा शादी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? अरे जीजी, जब मैं ज्वाला साला कुछ नहीं बोला तो कौन साला कुछ? गंगा, मैं दोनों बेटों का बाप हूँ, मेरी मर्जी, जिसकी शादी पहले करना चाहूँ करो। लेकिन इसे पूछो, इन्होंने कभी तुम्हें लक्ष्मण समझा? लक्ष्मण से भी ज्यादा बहू। एक मिनट जीजी, एक मिनट। देखो जीजी, एक बात तो साफ है, प्रभात सूर्या से बड़ा है, और ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इससे छोटा जिंदगी में इससे ऊंचा हो जाए।